हाय गाइस, ये देख सकते हैं, ये पाकिस्तान में जो होली की तैयारियां की जा रही है, गोबर है जिससे हम ज़मीन पर लगाते हैं और बाहर भी आप लगाएंगे कमरे के ऊपर। ये कमरे के अंदर आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो हमने गोबर लगाया हुआ है। अब गुरबत की वजह से गोबर ही लगा कर रखा है हमने। ये देख सकते हैं आप, ये गोबर लगाया जा रहा है होली के 3 दिन पहले जो पाकिस्तान में तैयारियाँ की जा रही है। ये देख सकते हैं आप गाइस। जय श्री राम, नमस्कार गाइस। तो सबसे पहले जितने मेरे हिंदू भाई सबको मेरी तरफ से, पाकिस्तान के हम इधर हिंदू कमेटी बैठी और हमारी तरफ से आप सबको, जितने मेरे हिंदू भाई सबको हैप्पी होली होगी और विश एडवांस में आपको मैं हैप्पी होली कहता हूँ, क्योंकि आज 3 दिन रह गए हमारी होली को और हम पाकिस्तान में किस तरीके से होली करते हैं आपको वीडियो में दिखाएंगे। और हमारे साथ जुड़े रहना कि 3 दिन बाद हम होली दिखाएंगे कि पाकिस्तान में हम होली किस तरीके से करते हैं। तो आज का ब्लॉग करते हैं शुरू और बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं राहुल राठौड़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राहुल राठौड़ ब्लॉग। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सुबह का जो मौसम है वो खूबसूरत नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। पीछे देख सकते हैं घास की ये हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इधर जो परिंदे बोल रहे हैं, इधर सूरज अभी सुबह सुबह निकला है, ये देख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मौसम बना हुआ है। और आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और आज तक अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं हो, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आज की आपको कैसी लगी। गाइज, ये है पाकिस्तान का इलाका चोलिस्तान, यानी कि जैसे हिंदुस्तान में राजस्थान है वैसे ही यहाँ पर पाकिस्तान में चोलिस्तान है। तो गाइज़, हम एक हिंदू कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और ये हमारा इधर जो है, इधर काश्तकार बहुत बैठे हैं, हिंदू काश्तकार है और इधर बहुत बैठे हैं, और ये इधर जो है वो रहा, वो हमारा डेरा है। तो यहाँ पर सुबह सुबह मैं अपने गंदम का जो विज़िट करने आया हूँ और बहुत ही अच्छा मौसम बना हुआ है। कुछ जो हिंदू कम्युनिटी के लड़के छोटे छोटे घास काट रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मौसम बना, और घास देखे किस तरीके का है, सुबह सुबह का टाइम है। और पीछे भी आप देख सकते हैं किस तरीके का भी खूबसूरत इलाका बना हुआ है। इधर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कच्चे पक्के घर बने हुए हैं। इधर कुछ लड़के घास काट रहे हैं, ये भी हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। तो इधर कुछ लड़के जो घास काट रहे हैं, ये भी यानी कि हिंदू कम्युनिटी है, पाकिस्तान में रहती है। इधर कुछ एक लड़का घास काट रहा है। ओए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और सुना, ठीक है? ठीक, घास काट रहा है। हाँ। ये देखो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। कह रहा है अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये बहुत ही गरीब खानदान हिंदू कम्युनिटी के बैठे हैं। इधर भी एक लड़का खड़ा है, ये देखो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये भी कह रहा है हमारे चैनल को जो वो सब्सक्राइब कर लो। घास देखो गाइस, किस तरीके का घास बना हुआ है। सुबह का मौसम है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इधर, ये देख सकते हैं आप। इधर देख सकते हैं गाइस किस तरीके का खूबसूरत नज़ारा पाकिस्तान के अंदर, इस तरीके का नज़ारा। ये हम हिंदू कम्युनिटी बैठी है इधर इस यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। तो जितने भी मेरे हिंदुस्तानी भाई हैं, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ज़रूर। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो घास जो सुबह आते हैं, ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 का टाइम है, और सब घास काटते हैं और फिर वो जो मशीन पर डालकर फिर उसको यानी कि अपने जानवरों को डालते हैं। इसलिए कितने छोटे छोटे बच्चों को ना कोई तालीम है, ना कोई कुछ, गुर्बत की वजह से कुछ नहीं इधर हो रहा, तालीम भी नहीं है इनके पास। ये देख कितने कितने बच्चे हैं, लेकिन फिर भी घास सुबह सुबह कर काट रहे हैं। पार्किंग है ना?